देख सकते हैं, आज हमें बनाना है ढोकला। तो ढोकले के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, तो हमें एक चम्मच चीनी मिलानी है, थोड़ा सा और दे सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी, आधा नींबू, इसके बाद हमें पानी से अच्छे से फेंट लेना है। जितना अच्छे से फटे फिटेगा उतने अच्छे से होएगा। कम से कम 10 मिनट तक इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच या एक चम्मच में गरम ऑयल डालना है। इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही रख देना है। हेलो गाइस, फेंटने के बाद हमें इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें इसको ऐसे अच्छे से पिस्तों में मिला लेना है। ऐसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। हेलो गाइस, देख सकते हैं अब हम ढोकले के लिए स्टीम करेंगे। तो एक कुकर लेते हैं, कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। इसमें स्टैंड लगाया हमने, देख सकते हैं। अब इसको खोलने देंगे तब तक स्टीम ना हो। हेलो गाइस, देख सकते हैं अब हमें एक बाउल लेना है। बाउल में चारों तरफ से ऑयल लगा लेना है हमें। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा बेसन फिट चुका है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ा इनो, हमें अच्छे से हमें थोड़ा सा गरम ऑयल डालना है। कंटेनर में डाल देना है इसे अच्छी तरीके से। पैन से कंटेनर में डाल दिया। अब हमें भाप वाले कटोरे को इस पे रख के इस पे सीटी लगा देना है 15 मिनट तक के लिए। गाइस, अब हमें ढोकले का तड़का लगाना है, तो इसके लिए हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। इसको गर्म होने दें। इसके बाद हमें इसमें राई डालनी है। अभी ऑयल हमारा गरम नहीं हुआ है अच्छे से। तो गाइस देख सकते हैं अब हमने इसमें राई डाला है। अब हमें डालना है इसमें हरे मिर्च, उसके बाद हमें इसमें डालने हैं करी पत्ता, उसके बाद हमें डालना है इसमें थोड़ा सा नींबू, एक चम्मच चीनी, उसके बाद हमें डालना है इसमें थोड़ा सा पानी। हमारा रेडी हो गया है, इसको हमें चला लेना है। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारा ढोकला बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं पूरा स्पंजी भी है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से काट लेना है।
पंची भी है, तो हमें इसको तड़का लगाना है। इतना भी हमने घोल तैयार किया है उसका। थोड़ी सी राई को हटा देना है, देख सकते हैं हमारा ये ढोकला बनके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं बहुत ही स्पंची भी है, ये देख सकते हैं मैंने कैसे तैयार किया है। ये पूरी रेसिपी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे राई से मैंने। हेलो गाइस, देख सकते हैं आज का ढोकला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो हम देख सकते हैं हमने ढोकला कैसे बनाया।